ये भगवान राम के बारे में कोई टिप्पणी ना करें, क्योंकि ये अयोध्या धर्म की नगरी है और हनुमान जी जो है उनके भक्त हैं। अगर हनुमान जी को गुस्सा आ गया तो नेपाल कहाँ गया पता नहीं लगेगा। वो राम जिन पर करोड़ों हिंदुओं की भक्ति न्योछावर होती है, उन पर नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने विवाद के छींटे उछाल दिए हैं। नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने एक बार फिर बेतुका बयान दिया है। नेपाली पीएम का कहना है कि असली अयोध्या यूपी के फैजाबाद में नहीं बल्कि नेपाल में है। तो आइए जरा सुनिए उनका ये बयान। दरअसल नेपाल के आदि कवि भानुभक्त की जयंती का अवसर था, जिसमें एक कार्यक्रम का आयोजन हुआ और इसी कार्यक्रम में बोलते हुए ओली ने विवादों की ऐसी कथाबाजी जिस पर शायद ही कोई यकीन करे। पीएम ओली यहां तक दावा कर गए कि जिस अयोध्या में मां सीता की शादी हुई थी वो नेपाल में बीरगंज के पास ठोरी नाम की जगह पर है। अब नेपाली पीएम यही नहीं रुके, उनका प्रलाप आगे भी जारी रहा। ओली का दावा है कि सीता जी की शादी श्री राम से जरूर हुई थी, लेकिन वो राम हिंदुस्तानी नहीं बल्कि नेपाली थे। प्रमाण के लिए ओली ने उनका नेपाली पता ठिकाना भी बता दिया। लेकिन नेपाली पीएम का बयान जैसे ही यूपी में फैला, उसके बाद तो कई साधु संतों ने उन पर धावा बोल दिया। साधु संत तो एक तरफ, बाबरी मस्जिद के मुख्य पक्षकार रहे इकबाल अंसारी ने कहा कि एक बार अगर हनुमान जी का गदा घूमेगा तो नेपाल कहाँ चला जाएगा पता ही नहीं चलेगा। ये तो बिल्कुल गलत है। शायद जो है नेपाल के राजा को ये बात मालूम नहीं कि अयोध्या में भगवान पैदा हुए कि नेपाल में पैदा हुए। उनको धर्म के बारे में जानकारी नहीं है, इसलिए पहली बार उनको भगवान राम का याद आया तो उनको उन्होंने बता दिया कि भगवान राम जो है वो नेपाल के हैं, यहीं पैदा हुए थे। अभी तक कहाँ थे? हम तो ये कहते हैं कि भगवान राम के बारे में कोई टिप्पणी ना करें, क्योंकि अयोध्या धर्म की नगरी है और हनुमान जी जो है उनके भक्त हैं। अगर हनुमान जी को गुस्सा आ गया तो नेपाल कहाँ गया पता नहीं लगेगा, क्योंकि हनुमान जी इससे पहले लंका फूंक चुके हैं। तो इसलिए नेपाल के राजा जो है अपनी बातों पर ध्यान रखें और ख्याल रखें और भगवान के बारे में कोई टिप्पणी ना करें। इसलिए हम लोग हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई यहाँ सारे लोग बसते हैं और सारे लोग भगवान के बारे में जानते हैं कि अयोध्या भगवान राम की रही और रहेगी। जैसे ही यह मामला गंभीर होता गया और इस पर आवाज उठती गई, उसके बाद नेपाल सरकार की तरफ से भी बयान आया है। तो चलिए मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। प्रधानमंत्री द्वारा की गई टिप्पणी किसी भी राजनीतिक विशेष से जुड़ी नहीं है और किसी की भावना और भावना को ठेस पहुंचाने का कोई इरादा नहीं है। जैसा कि श्री राम और उनके साथ जुड़े स्थानों के बारे में कई मिथक और संदर्भ हैं, प्रधानमंत्री बस विशाल सांस्कृतिक भूगोल के आगे अध्ययन और शोध के महत्व पर प्रकाश डाल रहे थे। बहरहाल, इस्तीफे का दबाव झेल रहे नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली के इस बयान के बाद भारत के साधु संत तो बहुत नाराज हैं, बार बार कह रहे हैं कि नेपाली पीएम को अपने इस बयान पर माफी मांगनी चाहिए। तो दोस्तों, यूपी से जुड़ी तमाम खबरों के लिए देखते रहें यूपी तक।